गुरुकुल के गुरु घंटाल की अपार सफलता के बाद इस कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर विभिन्न विभागों में अव्यवस्थाओं और भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग आवाज उठा रहे हैं और सिटी हलचल के ऑफिस में फोन करके बता रहे हैं कि किस तरह भ्रष्टाचारी बाबू राज्य सरकार की नीतियों और राजस्व को हानि पहुंचा रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में सिटी हलचल के कैमरे ने नगर निगम के भ्रष्टाचारी बाबुओं की तफ्तीश की। कमिश्नर डॉक्टर प्रभात कुमार ने जब से शहर को अवैध होर्डिंग से मुक्त कराने के निर्देश दिए हैं तब से अवैध होर्डिंग्स के जरिए राजस्व की जो भारी हानि बाबू कर रहे हैं उसकी पोल खुलती जा रही है। बाकायदा नगर निगम के नाम पर नगर निगम के बाबू रसीद काटते हैं और इस रसीद में इंगित रकम का कहीं भी लेखा जोखा नहीं मिलता, क्योंकि रसीद ही नगर निगम के रिकॉर्ड में नहीं चढ़ी तो जाहिर सी बात है कि रकम सरकार के खाते में न जमा होकर नगर निगम के उन भ्रष्टाचार कर्मचारियों की भेंट चढ़ गई है जो नगर निगम में अपनी समानांतर सत्ता चलाते हैं। न तो नगर आयुक्त न ही संपत्ति अधिकारी ये बता पाए कि रसीद किसने और कैसे काटी। सबसे पहले आप देखिए ये काटा हुआ यूनिपॉल जिसके ऊपर चिपकी हुई है ये रसीद। हाँ डेट है ना उसमें 17/18 8 फरवरी के एक साल से ये मामला ये है कि 2 नंबर में नगर निगम के बाबू ने परमिशन दे दी है, रसीद काट दी है। अब यहाँ पर विवाद हो गया है बहुत तगड़ा और जो है नगर निगम के लोगों ने ये यूनिपोल काट दिया है, इस चक्कर में यहाँ विवाद हो गया था। इस रसीद के बल पर ही बड़ा खेल हो रहा है। जी हाँ, इस रसीद पर दावा किया जा रहा है एक कॉलेज के प्रबंधन के द्वारा कि उन्होंने यूनिपॉल लगवाने की फीस जमा कर रखी है और साथ ही ठेकेदार भी नगर निगम के ऊपर इल्जाम लगा रहा है। लेकिन इस अभियान की टीम प्रभारी ना तो ठेकेदार की बात का जवाब दे पा रहे हैं और ना ही कैमरे पर बोलने के लिए तैयार है। देखिए सब कुछ सीधे कैमरे पर। आप लोगों का काम है, आप लोग क्यों आ रहे हो विवाद में? आप क्यों फंसे हो? आदेश गलत है ना? आदेश पहला मैटर मिला है ना, इस तरह दूसरा मैटर मिला है। चलो पहला नहीं दूसरा मिला है, फिर क्यों कर रहे हो आप? जब आपको एक मैटर ऐसा मिल गया तो आप करते मत सबूता, ये इनकी बात तो जायज थी। तो जायज बात नहीं, तो आप लोग जो विज्ञापन प्रभारी से बात करो है क्या? नहीं आप तो बात करो, तो आ जाओ फिर आप लोग बात करो। कौन है? दिनेश यादव ही सर। क्या बात तो करो, क्या करें? हाँ हेलो, अरे जब इस पर रसीद कट रही है कुछ पे सुनिए, जैन मेमोरियल पर भी रसीद कटी गई है, डीजे जैन मेमोरियल पर भी, और इसके बाद इस पर भी रसीद कटी गई है 18 तक। तो कैसे जब ये बीच बीच में ये मिल रहे हैं तो क्या करेंगे बताइए? तब भी कितने पोल? उसके 5-7 पोल गिराए गए हैं। अच्छा ठीक है, एक मैं ही कर पा रहा हूँ। सर ये जो परमिशन है, परमिशन का क्या हुआ? ये परमिशन की वो तो लगी हुई है, रसीद कटी हुई है, परमिशन है नहीं इस संबंध में प्रभारी, तो इसमें किसी ना किसी निगम वाले का तो झोल है, कह नहीं सकते। सिटी हलचल हर वो मुद्दा उठाता है जो सरकार को, सरकार के राजस्व को और आम आदमी के अधिकारों को नुकसान पहुंचाता है और अधिकारियों के सामने तस्वीर रखता है कि किस तरीके से बड़े बड़े खेल हो रहे हैं। जी हां, इसी के बाद ये तफ्तीश यहां पर ही नहीं रुकी। हमने टीम प्रभारी नरेश शिवालिया से बार बार बात करने की कोशिश की तो वो कैमरे पर बात करने को तो टालते रहे, लेकिन इस रसीद प्रकरण पर उन्होंने फोन पर जरूर बताया कि रसीद जो काटी जा रही है वो दिशा सूचक पोल की कटी है, ना कि यूनिपोल की। यानी कि कमिश्नर डॉक्टर प्रभात कुमार के आदेश पर अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ अभियान में ये खुलासा हुआ है। लेकिन गौरतलब बात यह है कि टीम प्रभारी और नगर निगम की टीम के सदस्य क्यों नहीं इस घोटाले के खिलाफ बोल रहे हैं? मैं होर्डिंग में, होर्डिंग का कार्य करता हूं नगर निगम क्षेत्र में। नगर निगम में टोटल भ्रष्टाचार हो रहा है, 35 लाख रुपए हमने जमा कर दिए हैं, हमें होर्डिंग लगाने की अनुमति नहीं दी जा रही। रोज दिन पर दिन हमारे 10 यूनिपोल 20 यूनिपोल रोज काट रहे हैं, दूसरे विज्ञापन माफियाओं से मिलकर ये जो है एक तरफा राज कराना चाहते हैं नगर निगम वाले। अच्छा, किस नाम से कंपनी भैया आपकी? हमारी एडवर्ल्ड के नाम से हमने 35 लाख रुपए जमा किए हुए हैं नगर निगम में, 20 लाख रुपए की बैंक गारंटी और 15 लाख रुपए का चेक हमने दिया हुआ है, उसके हम आपको पर्याप्त सबूत आपको हम दे देंगे। अब बताते हैं अपनी तफ्तीश के तथ्य। लगभग 12,000 रुपए के करीब की रसीद कटवा कर एक साल के लिए लाखों रुपए का कैंटिलीवर लगवाया जा रहा है। दिशा सूचक संकेतक बोर्ड के नाम पर, यानी कि लाखों रुपए साल के राजस्व की हानि
और आप देखिए किस तरीके से खुलेआम ठेकेदार भी, स्कूल प्रबंधन भी और नगर निगम के कुछ बाबू खुलेआम सालों से सरकार को राजस्व की चोट पर चोट पहुंचा रहे हैं। इस मामले में हमने पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी से बातचीत की। नगर निगम में होर्डिंग का प्रकरण बहुत लंबे समय से विवाद का केंद्र बना हुआ है, लेकिन अफसोस यह है कि ना तो अधिकारी इसका हल निकाल सके और अनावश्यक तौर पर कब कौन लीगल है और कौन इलीगल है ये विवाद यहाँ खड़ा होता है। मेरा तो ये मत है कि नगरायुक्त जी को एक बार इस प्रकरण पर दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए और पत्रावली के देखने के बाद चाहे बाबू दोषी हो चाहे अफसर दोषी हो उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जो कम से कम होर्डिंग के नाम पर माफियाओं का सृजन मेरठ नगर निगम में ना हो।